देखिए अभी हम कंजुगेट बताते हैं, कंजुगेट क्या होता है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, मान लो ना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ए प्लस आयोटा बी है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट का मतलब हो गया, कंजुगेट का मतलब हो गया जेड बार, दिस इज कंजुगेट ऑफ जेड। इसको हमको पढ़ना है कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो ये कैसे निकलता है, बस सिंपल सा इमेजिनरी पार्ट वाले के पहले वाले का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो बस उसका कॉन्जुगेट निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल देख लो, फटाफट एग्जाम्पल देखिए। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + i 7 है, तो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे 2 - i 7 होगा, खाली नेगेटिव हो जाएगा। मान लो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिया हुआ है, खाली मान लो कि ये ऐसे दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। 3 का मतलब आपको समझ में आना है कि 3 का मतलब क्या हो गया, 3 + 0 i, है ना। मतलब इसका कंजुगेट निकालेंगे तो 3 रह जाएगा। अगर मैं 0 i भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सीधा ही रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक और एग्जांपल कि आयोटा ही खाली दिया है, 7 i ऐसे कुछ, या -7 i दिया हुआ है, -7 i, तो -7 i का मतलब हो गया 0 - 7 i है। तो इसका जब कंजुगेट निकालोगे तो 0 + 7 i होगा, 0 + 7 i, या यूँ कह लो कि केवल 7 i, है ना, अगर ये 7 i है साइन चेंज करके। और अगर एक और एग्जांपल देखें तो मान लो कि 3 + 4 i ऐसे दिया है, या यहाँ माइनस दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जब हम लोग कंजुगेट निकालेंगे तो यहाँ का साइन में कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ का साइन केवल क्या होगा, चेंज होगा, बस यही है कंजुगेट, ठीक है। देखिए अब हम दिखाएंगे आपको मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड, दिस इज मॉडुलस। आगे हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, क्या है मॉडुलस। देखिए मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये है, आपके पास ए प्लस आयोटा बी, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा जी, ए माइनस आयोटा बी, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमको निकालना है क्या, मॉडुलस। तो मॉडुलस देखो क्या होता है, मॉडुलस इज इक्वल टू होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस के अंदर डाल दो, और मॉडुलस के अंदर डाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए और बी को स्क्वायर के करके फिर उसके बाद क्या करना, अंडर रूट लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया मॉडुलस। अब हम मॉडुलस फटाफट निकाल के दो तीन को दिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - i 7 है, तो मॉडुलस ऑफ जेड निकालना होगा तो क्या हो जाएगा भैया, 2 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, मतलब कितना, 4 49, दैट इज 53 अंडर रूट। अगर मान लीजिए एक और कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है ऐसे कुछ, -3 - 7 i, या -6 i ऐसे कुछ है, या आप यहाँ रख लो ना, ऐसे रख लेते हैं हम लोग 8 और 6, ठीक। तो इसका अगर हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, -8 - 60 का मॉडुलस, इसका मतलब हो गया अंडर रूट -8 का स्क्वायर, दिस इज -8 का स्क्वायर +-6 का स्क्वायर, ये क्या होगा सर 64, और ये हो जाएगा 36, मतलब क्या हो गया 100, मतलब क्या हो गया 10, दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड, कोई दिक्कत नहीं है मॉडुलस में, अंडर रूट करिए है ना, और स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ एक बार और मैं रिवाइज करता हूँ, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का सम, उसको ब्रैकेट में, अरे अंडर रूट में डालिए, डायरेक्ट निकाल के आप सीख सकते हैं। जैसे एक मैं करके और दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि अगर 3 2 + i 7 था, तो मेरे को मॉडुलस निकालना है तो क्या हम सीधा निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही ना जी, मतलब ये 4 + 49 है ना 53, क्या हम सीधा निकाल सकते हैं, सीधा सीधा इसे निकालिए तो 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, 4 और 49 4 और 49 कितना हो जाएगा 53, उसका अंडर रूट सीधा निकाल सकते थे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए -4 - 7 - 2 i है, तो क्या हम सीधा निकाल सकते हैं इसका 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 20, अंडर रूट 20, मतलब इसको आप लिख सकते हो 4, इसको लिख सकते हो 4 × 5, मतलब क्या निकल जाएगा, इसका 2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ऐसे आप डायरेक्ट निकालने का भी अभ्यास मॉडुलस का करेंगे, हम क्वेश्चन में डायरेक्ट ही निकालेंगे क्योंकि अभी हम क्वेश्चन के पास आए नहीं हैं, थ्योरी के पास ही हैं। अब हम लोग निकालेंगे क्या, इनवर्स क्या होता है, दिस इज इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा भी है, ठीक ना, तो मेरे को क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका इन्वर्स यानी 1/z। पावर 1 को अगर हम प्लस करना चाहेंगे तो 1/ लगा के लिखते हैं ना जी, तो पावर प्लस हो जाता है, ठीक ना। एक मिनट रुकिएगा, तो क्या होगा 1/z, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस आयोटा बी, 1 + a + iota b। हम लोग क्या करेंगे कि इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस आयोटा बी नीचे किए इसलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट याद होगा बस साइन चेंज कर देते हैं। वन से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, नीचे में क्या होगा a a b b a प्लस बी a माइनस बी, सेम चीज़ है ना जी, तो लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा एक बार मैं अभी थोड़ा देर लिखा देता हूँ, दिखाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो आयोटा स्क्वायर भी होगा, देख लीजिए ना, ए स्क्वायर माइनस होता है हमारा बी स्क्वायर, दिस इज बी आयोटा का स्क्वायर, है ना, इसी में होता है। तो मेरे पास ए माइनस आयोटा बी, ये ऐसे बन जाएगा, बी का तो बी स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। कहने का मतलब देखिए आप ध्यान से, ए माइनस आयोटा बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। क्या हम इसको डिवाइड, इसको अलग दे सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी अलग दे सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे सकते हैं कि नहीं, तो ऐसे ही इन्वर्स निकलता है। कैसे निकलता है, अगर ए प्लस बी है तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से नीचे डिवाइड करेंगे दोनों को, इसको भी डिवाइड करेंगे, साथ में साइन चेंज कर देंगे, है ना, तो निकलता है ऐसे। आप थोड़ा अभ्यास करो ना, सीधा निकलेगा। अब मैं दिखा कर दिखा रहा हूँ आपको, 2 + iota 2 मान लो, या 3 रखिए ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमको निकालना है जेड इन्वर्स, तो क्या करेंगे, इसका साइन को क्या कर देंगे, इसका साइन को चेंज कर देंगे और इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम से नीचे डिवाइड करेंगे। मतलब अभी हम लिख के दिखा रहे हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से ना, और ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिखेंगे 4 और 9 13, हमको एक बार यहाँ पे पहला बार है इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ 9, और ये हो गया आपका सीधा, है ना। लेकिन हमको अभ्यास ऐसे करना है सीधा, ये तो हो गया ना, लेकिन हमको क्या करना है, सीधा निकालना है, क्या इसका साइन को चेंज करेंगे और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 13 हो गया, साइन चेंज करना है 3, और यहाँ भी तो वही होगा आयोटा, सीधा लिखना है, है ना, सीधा लिखने सीखना है। तो इन्वर्स निकालने सीख गए आप। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास जेड इज इक्वल टू, ये सब मिटाइए ना, एक एग्जांपल हम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है लास्ट एग्जांपल, मान लीजिए कि 2 - 3 आयोटा है, ठीक है, हमको क्या आप निकाल के दिखाइए, मॉडुलस निकाल के दिखाना है, कंजुगेट निकाल के दिखाना है और इन्वर्स भी निकाल के दिखाना है, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे हम, तो मॉडुलस निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट सीधा 2 का स्क्वायर और + - 3 का स्क्वायर। आप सीधा बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, सीधा बोल सकते हैं अंडर रूट 13। अब कंजुगेट निकालेंगे तो यहाँ जो साइन है उसका साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया। अगर इन्वर्स निकालना था तो हम क्या बोले थे, इसका साइन को क्या करिए, चेंज करना है और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर से डिवाइड करना है, मतलब 2 का स्क्वायर आप 4 और 9 13 से आप सीधा डिवाइड कर सकते हैं दोनों में, क्यों, क्योंकि एक लाइन अगर आप लिखते हैं यहाँ तो ऐसे लिखते हैं ना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, तो वो तो 13 ही आता ना, 3 + 9 = 4 13, आपको सीधा लिखने सीखना है, इसलिए मैं ये एग्जांपल लिया था। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मॉडुलस अंडर रूट स्क्वायर करिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, सीधा निकल जाएगा, ठीक है। कंजुगेट निकालना है, साइन चेंज करिए। इन्वर्स निकालना है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका साइन ऊपर चेंज करिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करिए, सीधा निकल जाएगा। एक मैं इसमें एक रिलेशन आपको दिखा रहा हूँ, सीधा देखिए कैसे निकलेगा। देखिए मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, हम देना ध्यान से देखिएगा, ये हम बोल रहे हैं कि ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा बी या बी आयोटा एक ही होता है ना, तो हम क्या करना, इंटरेस्ट है मेरा कि क्या निकालूं, जेड इन्वर्स। जेड इन्वर्स का मतलब क्या, 1/z, वो कैसे निकलता है,
अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इसका साइन चेंज कर दीजिए, इसका साइन चेंज कर दीजिए और अलग अलग दोनों में डिवाइड करिए या एक ही साथ डिवाइड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अभी हमने क्या कहा था कि अलग अलग डिवाइड करो, एक साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं, एक साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ाएंगे तो 1 बाई जेड हो गया, ये चीज़ क्या है आपका भैया, तो ये कंजुगेट है। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मेरे को नहीं पता चल रहा है, अभी अभी मैं पता चला रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट भी दे दिया और स्क्वायर भी कर दिया, उससे ये मॉडुलस बन जाएगा, जैसे मॉडुलस बन जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ था यहाँ भी है, स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट हट जाएगा, है ना। तो देखिए 1 बाई जेड ये हो गया ऐसा, अब मैं स्क्वायर करूँगा इसका, ये सॉरी ये मॉडुलस हो गया ना, दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड। तो आप यहाँ पे देख लीजिए तो इधर चला गया और ये इधर आ गया, क्या मस्त थ्योरम डेराइव हो गया कि मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मॉडुलस ऑफ जेड आ जाता है, कोई नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मॉडुलस ऑफ जेड आ जाता है, ठीक है ना। इसको मैं चेक करके दिखा के आपको रखता हूँ। मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास 2 + i 3, छोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हूँ, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे, हमको पता है मॉडुलस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 9, 4 और 9, 13, दिस इज 13 अंडर रूट, है ना, अंडर रूट 13 हो गया। तो मॉडुलस मैंने क्या कहा कि अच्छा इसका बताइए कंजुगेट क्या होगा, 2 - i, साइन नेगेटिव हो जाएगा। अभी हम क्या कह रहे हैं कि जेड और जेड का कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडुलस आ जाता है, देखते हैं आएगा कि नहीं। 3 + i और उसका कंजुगेट, कंजुगेट क्या है ये आप देखो, तो ए ए बी बी साइन केवल प्लस माइनस है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आप बचपन में पढ़े थे, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो मेरा भी यहाँ पे वही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर क्या होगा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस मतलब 13, 13 को आप लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ये आपका मॉडुलस था तो यहाँ स्क्वायर भी तो था, ये था तो यहाँ स्क्वायर भी तो था ना, तो मॉडुलस का स्क्वायर इधर होगा ना, मॉडुलस का स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, गलत हो गया था वहाँ। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √13 का स्क्वायर 13 और ये 13 अंडर रूट 13 क्या है सर मेरा, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड है ये और स्क्वायर था स्क्वायर दे दिया। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाता है, या मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर का मतलब ही होता है कॉन्जुगेट के साथ उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम आपको सिखाएंगे डिविज़न, अब हम आपको डिवीजन सिखाने लायक हो गए हैं, ठीक है। देखिए अब जो है हमारा डिवीजन है, अगला जो चैप्टर है सॉरी अगला जो टॉपिक है वो डिवीजन है। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस आयोटा डी, इसी को डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करने का जो तरीका है, मान लीजिए कि ये जेड वन है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डिवाइड ऐसे ना करेंगे जी, जेड वन बाई जेड टू या यू कह लो कि जेड वन डिवाइड बाई जेड टू, या यू कह लो डिवाइड का साइन हटेगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखिए जेड वन को हमने लिख दिया ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी, यही ना हो गया। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे, हम क्या करेंगे कुछ ना कुछ बात यहाँ सीखेंगे। इस चीज़ को हम जेड वन लिख रहे हैं, इसको 1 बाई जेड टू लिख सकते हैं, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख रहे हैं, या जेड वन और दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर चढ़ा के लिख रहे हैं, तो यहाँ पावर वन है तो ऊपर क्या हो जाएगा जेड टू का इनवर्स, इनवर्स हो गया ना, ठीक है, ये इनवर्स हो गया, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जिससे डिवाइड करना है उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई ही कर देंगे, इसको इनवर्स ऑफ जेड टू बोलेंगे ना, इनवर्स ऑफ जेड टू।
उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवीज़न हो जाएगा। कहने का मतलब मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2+3 आयोटा है, इसको डिवाइड करना है, मान लो ऐसे जेड टू आपके पास मान लो 3+4 आयोटा है, ऐसा है, हमको डिवाइड करना है जेड वन बाई जेड टू, तो कैसे करेंगे तो जेड वन को मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इनवर्स से। तो जेड वन मेरे पास है यही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, और इनवर्स कैसे निकलेगा, थोड़ी देर पहले अभी जेड टू का इनवर्स निकालने हम सिखाए थे। रफ में जाते हैं कि साइन चेंज करते हैं मतलब कॉन्जुगेट लिख लेते हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो, सेम में भी डिवाइड कर सकते हो। मतलब कैसे डिवाइड करोगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब हो गया आपका 3-4 आयोटा 25 हो गया। तो ये 3/25 और -4/25 आयोटा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3/25 -4 आयोटा से, बस हो जाएगा। इसको आप इतना मत करो, इतना ही बेहतर समझो, ठीक है। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/25 को तो बाहर ही निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई करना कैसे करना है, सामने सामने 2 3 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा आयोटा के कारण, क्योंकि बीच में माइनस होता है ना, तो 12। अब चलो यहाँ से ये -4i माइनस इसको i वाले के साथ, तो 4 2 9 -8i और +3 3 9, मतलब क्या हो जाएगा i+i, ठीक है ना। देख लीजिए किसी को दिक्कत है तो, यहाँ से i वाले के साथ किया तो -4i और ये वाला i को इसके रियल के साथ किया तो 3 3 9i, अरे बाबा 4 2 8 था रे। तो देखिए क्या हो गया, आयोटा हुआ ना, कितना हुआ आयोटा। या इसको एक ही बार ऐड कर लो, 1/25 × 12 और 6 = 18 प्लस आयोटा, एक लाइन और की 18 प्लस आयोटा, ये इसको ये नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होता है डिवाइड, डिवाइड करने का मतलब हो गया कि उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये चीज़ हमको डायरेक्ट करने सीखना है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। मान लीजिए कि आपके पास 2+5 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास -3 और -, या कुछ भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं 3 आयोटा या 4 आयोटा, अलग अलग रखें ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। हमको इसको डिवाइड करना है, क्या करना है भैया, Z1+Z2 निकालना है। मेरे को पता है क्या कि Z1 को मल्टीप्लाई ही कर देंगे Z2 के इनवर्स से, तो डिवीज़न हो जाएगा। डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन के टर्म में ही करते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो Z1 क्या भैया, 2-5i, है ना, देखिए ध्यान से। तो और इसका Z2 का इनवर्स कैसे निकालेंगे, हम एक ही बार में करेंगे, यहाँ का साइन चेंज करेंगे कंजुगेट, और नीचे हम डिवाइड करते हैं a² + b² से, मतलब a² + b² 3 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर 9 और 4 = 16, क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, 1/25 को थोड़ी देर के लिए हम बाहर रख लेते हैं, मल्टीप्लाई करने आपको मैं सिखा चुका हूँ। क्या होगा, रियल को रियल के साथ 3 2 - -6, 3 2 - -6, ये मैं एक ही बार लिखने सिखाऊंगा, नहीं तो आदत खराब हो जाएगा फिर, एक ही बार, ठीक है ना। नहीं तो मैं रफ करके दिखा देता हूँ, आप एक ही बार अभ्यास करिएगा। देखिए रियल को रियल के साथ 3 2 - -6 और ये सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा के कारण, आयोटा स्क्वायर के कारण माइनस हो जाएगा, 5 4 = 20। देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो 20 और 6 कितना हो जाएगा जी,
26, ठीक है। और ध्यान देना है, ठीक है ना, कैसे किया, सामने 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 सामने, ठीक है, माइनस या प्लस जो भी आएगा साइन के साथ आयोटा को, इसका रियल से आयोटा वाले के साथ करेंगे, 4 × 8 माइनस 8 आयोटा, और इसका आयोटा से उसके साथ करेंगे साइन के साथ, 5 × 3 = 15 माइनस माइनस प्लस 15, देख लीजिए, तो 15 में से प्लस माइनस घट जाएगा, 15 में से 8 गया 7। मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपका आदत नहीं खराब हो, ऐसे ही अभ्यास रहे, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस 6 प्लस 7 आयोटा बाई 25, ये हो गया आपका डिवीजन कंप्लीट, नहीं तो बहुत बड़ा चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई आप करिएगा ना, इसको इसके साथ, तो 3-4 स्टेप हो जाएगा, नहीं आएगा ना तो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा ना, अभी तो डिवीजन को ऐसी प्रैक्टिस करिए, सामने 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 करेंगे साइन के साथ, आयोटा स्क्वायर के कारण साइन चेंज होता है बस, रियल में है ना, बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसमें, डिवीजन कंप्लीट हो गया। आप प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, देखना यार क्या होगा ना, कि मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले हम बता रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा कि नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा कि नहीं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे फॉलो करेगा, हम रियल में पढ़े थे कि एक रियल नंबर को ऐड करते हैं तो रियल नंबर आता है ना, जैसे अगर हम 2 और 3 को ऐड किए थे तो क्या आया था, 5, ये रियल था रियल आया था, ऐड करने पर रियल आया था, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता था। 2 रियल नंबर को घटाते हैं तो रियल नंबर ही आता है, वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी था, सब्सट्रैक्शन में फॉलो करता था, मल्टीप्लिकेशन में क्या था, फॉलो करता था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से घटाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को मतलब फॉलो करेगा, सब्सट्रैक्शन भी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लो एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने से कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, प्रोवाइडेड कि जेड टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम बताए हैं ना कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये देखो क्लोजर प्रॉपर्टी को चारों फॉलो करता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, देख लो ना यार, अभी तो जोड़ घटा में आप देख ही रहे थे कि आ रहा था, अगला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिएगा ध्यान से, कम्यूटेटिव में क्या होता है, कम्यूटेटिव ये याद रखने के लिए मैं ऐसे बोल देता हूँ, कम्यूटेट करने के लिए सामने सामने मुंह होना ना चाहिए जी, सामने सामने होना चाहिए ना फेस, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या बात करेंगे कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, इसको फेस को उलट दो, मैंने मैं इधर था उधर हो रहा था तो कम्यूटेट हो रहा था, मेरे को इधर ले आओ उधर ले आओ तो भी तो कम्यूटेट होगा ना, कहने का मतलब सिंपल भाषा है कि इसको चेंज कर दो, ये Z2 को इधर ले आओ और उसको भी उधर ले आओ तभी भी कम्यूटेट होगा, कम्यूटेट ही होगा, मतलब क्या मतलब कि ऑर्डर को चेंज करके ऐड करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। अरिथमेटिक में नंबर में भी तो हम रियल नंबर में भी पढ़े हैं कि 3 और 2 को ऐड करें या 2 और 3 को ऐड करें, बात बराबर है, इसको बोलते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर में, या कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा,
ये फॉलो करता है। मान लीजिए कि अगर 2 प्लस आयोटा 7 को ऐड करना है 3 प्लस आयोटा 2 के साथ, तो हम क्या करते हैं ना कि इसको चेंज कर देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं 3 प्लस आयोटा 2 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख देते हैं। दोनों ही केस में ऐड करेंगे तो 2 3 5 7 और 2 9 आयोटा ही आएगा। इसको भी ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 7 2 9 9 आयोटा ही आएगा, है ना, यहाँ प्लस है। कहने का मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कौन, एडिशन। एडिशन क्या करता है, एडिशन फॉलो करता है, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है एडिशन। सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। जैसे नंबर में भी हम लोग पढ़े थे कि 3 और 2 को और 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते थे, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते थे रियल नंबर में भी, तो वहाँ भी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता था, नॉट कम्यूटेटिव। याद करो, ये रियल नंबर वाले केस का ही बता रहा हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले केस में भी, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले केस में भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर से घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें, या दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर से पहला को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, अलग अलग आ जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि 2 प्लस 3 आयोटा मान लो है, इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 माइनस 2 या 6 आयोटा को, ठीक है, और फिर उल्टा सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसा उल्टा सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे 6 माइनस 6 आयोटा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको दूसरे वाले को, दूसरे वाले को पहले लिख के, तो अलग अलग आंसर आएगा। देखिए, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किए, अब क्या कर रहे हैं, इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखना अलग अलग आंसर आएगा। आपको पता है कि 3 माइनस माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज होगा, तो माइनस ये प्लस रियल रियल ऐड होगा ना, 3 और 4 कितना हो गया जी, माइनस 4 और 3 देख लो, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस 3 और 6 कितना हो गया जी, प्लस 3 आयोटा, है ना। यहाँ पे ये आया, ये कितना आएगा, आप देखिए ये कितना हो गया, 1 माइनस 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 9 आयोटा, दिस इज 9 आयोटा। दोनों बिल्कुल अलग है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। अब चलिए मल्टीप्लीकेशन में जल्दी से देख लेते हैं, डिवीज़न तो एकदम नहीं फॉलो करेगा, उसको दिक्कत ही नहीं है। अब मल्टीप्लीकेशन को देखते हैं कि फॉलो करेगा कि नहीं। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग बात करते हैं कि मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, और जे टू पहले इसको रख लें बाद में इसको रखेंगे, सेम होगा, फॉलो करेगा, जैसे नंबर में करता था ना, जो नंबर में करता था यहाँ भी करेगा, 3 2 जा 6 है यहाँ भी 6 बराबर था ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी बराबर है, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो करेगा, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, ठीक। अब उसके बाद हम बात करेंगे डिवीज़न के लिए, तो डिवीज़न नहीं फॉलो करेगा, मतलब अगर जेड वन जेड टू को डिवाइड करें वो नहीं इक्वल होगा जेड टू और जेड वन के इक्वल, अगर मतलब जेड टू से डिवाइड कर रहे हो और जेड टू को फिर जेड वन से डिवाइड करने लगोगे तो इक्वल नहीं होगा, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल चाहो तो देख सकते हो आप, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ का। एसोसिएटिव लॉ हम लोग बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए देखेंगे, पहले हम ऐसे बचपन में हम लोग रियल नंबर के लिए देख के आए हैं, ऐसा देख के आए हैं, क्या देख के आए हैं मैं बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों को पहले ऐड करो या ये दोनों को पहले ऐड करो, ये दोनों को पहले ऐड कर लो उसके बाद इसको ऐड करो, या ये दोनों को पहले ऐड करो बाद में इसको ऐड करो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट का मतलब पहले ऐड होगा ना, और ये जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री यहाँ ब्रैकेट लगा लो, तो क्या होगा ना कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। तो वैसे इसको पहले ऐड कर लो फिर उसमें इसको ऐड करो तो सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, मतलब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। किसके लिए हम बात कर रहे हैं जी, एडिशन के लिए, दिस इज एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं फॉलो करता, सीधा लिख के भागूंगा। मल्टीप्लीकेशन फॉलो करता है, मतलब जेड वन जेड टू और जेड थ्री तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, पहले क्या करो आप इसको मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद जेड वन जेड टू और जेड थ्री है
यहाँ पे ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में जो आएगा ना उससे जेड वन को मल्टीप्लाई करो, वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मल्टीप्लीकेशन को भी ये फॉलो करता है, डिवीज़न सीधा बोलेंगे कि फॉलो नहीं करता है, डिवीज़न बोलेंगे सीधा नहीं फॉलो करता है। ठीक है, अब है यहाँ पे, इसे बहुत यूज़ होगा, ऐसा नहीं कि इसका नहीं यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं तो इसके बिना नहीं बनेगा। अब देखिए हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दो बात करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी हम यहाँ पे बात करेंगे, और इस तरफ हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। क्या चीज़ का बात करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मार्कर रेड वाला नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या, आइडेंटिटी का मतलब पहचान बनाए रखना है, जैसे कि रियल नंबर के लिए पढ़े थे कि तीन में क्या ऐड कर दें कि अपना आइडेंटिटी बनाए रखें, मतलब तीन रहें, तो हम जीरो ऐड कर देते थे कि जीरो ऐड करेंगे तो भाई तीन अपना आइडेंटिटी बनाए रखेगा, तो जो आइडेंटिटी बनाए रखने देता है वैसा नंबर को हम लोग बोले थे आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर रियल नंबर हम लोग बात किए हुए हैं पहले। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी में भी वही बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दें कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, मतलब जेड है तो जेड वन ही रहे या जेड है तो जेड ही रहे। तो हम लोग के पास एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि वही जिसे कि वो आइडेंटिटी अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपना बनाए रखेगा। जीरो का मतलब समझ रहे ना, जीरो का मतलब जीरो प्लस जीरो आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, ठीक ना। तो देखिए, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट निकलता है और वो है जीरो। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए चलेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या से मल्टीप्लाई कर दें कि वो अपना अपना आइडेंटिटी बनाए रखे, तो वन से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वह नंबर जेड ही रहेगा। वन का मतलब समझ रहे हैं ना, वन का मतलब हो गया वन प्लस जीरो आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, क्योंकि वन जितने रियल नंबर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, सब में साइड में आयोटा लगा सकते हैं, जीरो आयोटा है ना। जैसे हम लोग नंबर के लिए भी तो पढ़े थे थ्री में क्या से मल्टीप्लाई कर दें कि वो नंबर अपना आइडेंटिटी बनाए रखे, मल्टीप्लाई है तो क्या से मल्टीप्लाई कर दें, एडिशन है तो क्या से एडिशन कर दें कि अपना आइडेंटिटी बनाए रखे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया था आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, ये हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट हम बात कर रहे हैं रियल नंबर के लिए, और यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये वन हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग अलग है, एडिशन के लिए अलग है ना, एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन हो गया, वन मतलब वन प्लस जीरो आयोटा, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, जीरो मतलब जीरो आयोटा। अब अगला है एडिशन के लिए चल रहे हैं, अगला एडिटिव इनवर्स, दिस इज एडिटिव इनवर्स जी है ना, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हम लोग पढ़े थे नंबर में कि थ्री में क्या से मल्टीप्लाई कर दें कि जितना एडिटिव आइडेंटिटी ऐड कर दें, क्योंकि एडिशन है ना, थ्री में क्या ऐड कर दें कि अपना जो आइडेंटिटी एलिमेंट था उतना आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना था जीरो, मतलब जीरो आ जाए, तो क्या ऐड कर दें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो थ्री का नेगेटिव ऐड करेंगे तब ना, अरे बाबा आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है एडिशन के लिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए क्या से सब्ट्रैक्ट करें वही इनवर्स होगा, तो उसी का नेगेटिव से कर दीजिए ना, उसी का नेगेटिव से कर देते थे तो जीरो आ जाता था ना, ये आ गया ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ना, आ गया कि नहीं, आईडी फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या से ऐड कर दें कि जीरो, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी के जितना आ जाए, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का नेगेटिव से ऐड कर देंगे तो जितना एडिटिव आइडेंटिटी है मतलब जीरो आ जाएगा, है ना। तो ये जो नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकल गया, यही हो गया आपका एडिटिव इनवर्स,
दिस इज एडिटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेशन में निकलेगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और ये क्या होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो आइडेंटिटी आ जाए, मतलब वन आ जाए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ क्या से ऐड कर दें, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो क्या से मल्टीप्लाई कर दें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिटी जितना है ना मल्टीप्लीकेशन के लिए उतना आ जाए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसका वन है, मतलब वन आ जाए, तो क्या से मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो इसी का इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब समझ रहे हो ना, इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन आ जाएगा, मतलब ये हो गया आपका जेड इनवर्स, ये हो गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स समझना है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या से मल्टीप्लाई कर दें कि जितना आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी एलिमेंट जो मल्टीप्लीकेशन का था वो आ जाए, एडिशन में क्या ऐड कर दें कि जितना एडिटिव आइडेंटिटी था उतना आ जाए, मतलब जीरो आ जाए, है ना, यही सोचना है। ठीक है, तो आपको समझ में लगता है कि आ गया है, ठीक है ना, मैं एक एक एग्जांपल अगर दे पा रहा हूँ तो दिखा रहा हूँ, ख़त्म हो गया है सारा प्रॉपर्टी। देखिए अगर मान लो कि अगर ये है जेड, अगर ए प्लस, सॉरी ए नहीं, एक एग्जांपल लेना है ना, 2+7 iota, ये थोड़ा छोटा लेते हैं, 2+4 iota है, ठीक है, तो हमको इसका सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी निकाल के दिखाइए, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या से ऐड कर देंगे कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, तो जीरो, और एडिटिव इनवर्स तो क्या ऐड कर दें ताकि ये आइडेंटिटी जितना है उतना हो जाए, तो क्या इसी का नेगेटिव है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये हो जाएगा -2 -4 iota, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी अगर इसी का निकालेंगे तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वन हो जाए, मतलब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कितना हो जाएगा, जेड इनवर्स, और जेड इनवर्स कैसे निकालते हैं बता चुके हैं, कैसे निकालते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग कर देते हैं, 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए बोलेंगे भैया लेकिन 2 का स्क्वायर बोलेंगे, 4 का स्क्वायर b बोलेंगे, मतलब साइन चेंज, और सीधे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, सीधे निकलेगा जी, ज़्यादा लाम लिफाफ करने की जरूरत नहीं है, 16 और 4 20 हो जाएगा, मतलब 2/20 इसको भी डिवाइड करेगा, और ये आपको काट लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, है ना, मतलब हो गया ये हो गया मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी नहीं हुआ, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हुआ ये, ठीक है ना, ये क्या हुआ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्योंकि क्या से मल्टीप्लाई कर दें कि वन हो जाए, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ना हो गया जी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तो वन है, क्या से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी देखो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तो वन है, इसमें तो सोचने वाली बातें नहीं है, वन का मतलब 1+0 iota, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, है ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स था, ठीक है ना, आइडेंटिटी नहीं था, आइडेंटिटी तो वन है, क्या से मल्टीप्लाई करें कि आपका आइडेंटिटी बरकरार रहे, ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी निकालें तो क्या से मल्टीप्लाई करें कि अपना आइडेंटिटी बरकरार रहेगा, और एडिशन के लिए निकालेंगे तो क्या ऐड करें कि अपना आइडेंटिटी बनाए रखेगा, और इनवर्स निकालेंगे तो क्या ऐड कर दें कि जितना आइडेंटिटी था, मतलब जीरो आ जाए, जीरो था ना एडिशन के लिए, और मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी निकालेंगे तो क्या से मल्टीप्लाई करें ताकि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब वन आ जाए, ठीक है, तो उसका इनवर्स होगा, ठीक है, सारा थ्योरी लगभग लगभग हो चुका है।